नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और इस वीडियो का टॉपिक है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय है 1974 से 1979 तक का, लेकिन इस योजना को क्योंकि एक साल पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तो इसका अब टाइम पीरियड है 1974 से 1978 तक का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसने अपने 5 साल पूरे नहीं किए थे, एक साल पहले ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं और पहली बार भारत में गरीबी हटाओ मतलब पॉवर्टी रिमूवल को एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव बनाकर रखा गया था। इस योजना का ड्राफ्ट प्रोफेसर डीपी धर ने तैयार किया था और इसी योजना के दौरान मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर लोगों के लिए सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करना मुख्य उद्देश्य था, जिसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का मुख्य एम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी था, पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन। इट ऑल्सो प्रमोटेड इक्वालिटी एज फ्रॉम नाउ पुअर विल बी एबल टू गेट बेसिक नीड्स। कंपोनेंट्स क्या थे एमएनपी के, मतलब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के, तो हम देख सकते हैं कि रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिक एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, हाउसेस फॉर लैंडलेस लेबरर्स, दीज आर बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वर बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू नैरो द गैप बिटवीन इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड एक्चुअली यूटिलाइज इन मेजर एंड मीडियम इरीगेशन स्कीम्स। तो मतलब इरीगेशन मतलब पानी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुँच सके और क्रॉप में कन्वर्ट हो सके, इसलिए इरीगेशन का बहुत महत्व होता है। तो हमारे यहाँ पे जितना हमारे देश में जितना भी हमारे पास पोटेंशियल है इरीगेशन का, उतना हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए या ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1974-75 टू यूटिलाइज वाटर इन मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन एन ऑप्टिमम मैनर। उसके बाद हम दूसरी घटना देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना जब भारत में चल रही थी तभी इंटरनेशनल एरेना में ऑयल क्राइसिस हुई थी और ऑयल क्राइसिस के चलते ऑयल जो था उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, जिससे इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1975 से 1977 तक भारत के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्हीं के टाइम पीरियड में इमरजेंसी 1975 से 77 के दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था, फर्क पड़ा था। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम को चलाया था और इसी से रिप्लेस हुआ था 5 ईयर प्लान के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक साल जो जल्दी डिसकंटिन्यू हुआ तो उसके पीछे भी ये लॉजिक दिया गया कि 20 पॉइंट प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस योजना को यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या था, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन, पावर टू पीपल, सपोर्ट टू फार्मर, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओबीसी, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट, स्लम का इम्प्रूवमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एफोरेस्टेशन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रोड्स, एनर्जाइजेशन ऑफ रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी अनेबल ई गवर्नेंस, ये सारे कॉम्पोनेंट थे।
उसके बाद हम मुख्य देखें कि टारगेट था 4.4% का पांचवी पंचवर्षीय योजना का, लेकिन हमने अचीव किया था 4.83% का ग्रोथ रेट अचीव किया था। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सक्सेसफुल थी। तो यहाँ पर हम पांचवी पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा रोलिंग प्लान और छठी पंचवर्षीय योजना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।